Students, in my previous video I have explained few topics, that is the introduction of rational number, additive inverse of the number, operation of the number, number line. In my this video I am going to explain multiplication of rational number एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर. जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने दो ऑपरेशंस को डिस्कस कर लिया था, जो हमारा एडिशन था और सब्ट्रैक्शन था. दो ऑपरेशंस हमारे रह गए थे, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हम उसे सॉल्व करेंगे. ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. मेरा मल्टीप्लिकेशन आपका बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है. आपको कुछ नहीं करना होता इसके अंदर. देखो कितना ईजी क्वेश्चन हमारा. मैंने एग्जाम्पल लिया 3/5 मल्टीप्लाई माइनस 7/8. फर्स्ट यू हैव टू चेक द नंबर्स इन द क्रॉस फॉर्म एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि कोई नंबर जो है आपका सेम नंबर से कैंसिल हो रहा है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो. अगर सेम नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा तो आपको नंबर्स को सामने सामने मल्टीप्लाई करना है बस. मैंने चेक किया 3/5, 7/8, 5/7, 3/8, कोई भी नंबर मेरा कैंसिल नहीं हो रहा किसी भी नंबर से. मुझे क्या करना है, इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करना है बस. -7 × 3 − 21, 8 × 5 = 40. ठीक है, दिस इज़ माय आंसर. आई एम टेकिंग सेकंड एग्जांपल. माय क्वेश्चन इज −7/6 × 24. 24 को मैंने क्या कर दिया, रैशनल नंबर में चेंज कर दिया नीचे 1 लगाकर. अब चेक करो कि कोई नंबर आपका कैंसिल हो रहा है क्रॉस में या ऊपर नीचे. मैंने चेक किया, हाँ मेरा नंबर कैंसिल हो रहा है. 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 24. मैंने कैंसिल कर दिया. अब न्यूमरेटर मेरे क्या बचे यहाँ पे, −7 × 4 − 7 × 4 एंड वट इज़ अ डिनोमिनेटर 1 और 1, 1 × 1 = 1. मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा इसको, 7/4 = 28, −1 का −1. अगर आप नीचे 1 को नहीं भी लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर क्या है, −28. ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. डिवीजन आपका एज इट इज़ मल्टीप्लीकेशन की तरह ही होता है, बस इसमें आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, दैट इज़ अ रेसिप्रोकल. इसके लिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रेसिप्रोकल होता क्या है. व्हाट इज़ अ रेसिप्रोकल. सी, रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोथ आर सेम. क्वेश्चन में आपसे रेसिप्रोकल बोले या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले, आपको सेम तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है. माई क्वेश्चन इज राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 12, देन रेसिप्रोकल ऑफ 12 इज 1/12. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रेसिप्रोकल या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5/16, देन आंसर विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 5/16 इज 16/5. रेसिप्रोकल मीन्स आपको डिजिट को उल्टा कर देना है, मीन्स 1 के अपॉन में लिखना है. क्लियर. अब क्वेश्चन पे आते हैं, डिवीजन पे. हम दिस इज माय क्वेश्चन, 4/9 − −5/12. व्हाट आई हैव डन, आपका जो फर्स्ट नंबर है रैशनल नंबर, आपको उसे एज इट इज लिखना है 4/9. जो आपका डिवीजन का साइन है, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई एंड सेकेंड डिजिट विल बी रेसिप्रोकल. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट नंबर को आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई एंड सेकेंड नंबर विल बी रेसिप्रोकल. मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया. ओके, फिर वही प्रोसेस देखो, अभी कौन सा आपका क्वेश्चन बन गया मल्टीप्लिकेशन का, और आपको इसको मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के साथ ही सॉल्व करना है. पहले चेक करो कोई नंबर है जो कैंसिल हो रहा है. यस आई हैव 3/3 = 9, 3/4 = 12. मैंने नंबर्स को 3 से कट कर दिया,
3 3 = 9 एंड 3 4 = 12। अब फर्दर चेक करो, नंबर कैंसिल हो रहे हैं? नो, ये नंबर्स कैंसिल नहीं हो रहे। तो मुझे क्या करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई। 4 4 = 16, 3 5 = 15 माइनस का माइनस। बट एज यू नो कि डिनोमिनेटर्स कांट बी नेगेटिव, तो मैंने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया। इससे मैंने जो नेगेटिव है वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया, न्यूमरेटर के पास। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर मेरे ऑपरेशंस ख़त्म होते हैं मैडम। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज, वी हैव 5 कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी टाइप ऑफ नंबर्स। फर्स्ट इज माइन क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे क्या बोलता है बेटा, ये बोलता है कि इफ़ यू आर एडिंग एनी टू रैशनल नंबर्स देन आंसर विल कम एज अ रैशनल नंबर। अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो रैशनल नंबर में ही आएगा। दिस इज़ योर क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है आपका, यू कैन ऐड योर नंबर इन एनी ऑर्डर। आप अपने नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे आपका आंसर सेम आएगा। सी, ये है आपकी प्रॉपर्टी ए प्लस बी, तो ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। मैंने इसको दोनों ऑर्डर में ऐड किया हुआ है तो मेरा आंसर इक्वल आएगा। दिस इज योर कॉम्यूटेटिव लॉ। एग्जाम्पल लेते बेटे इसका, 1/2 एंड 3/4, हम दो रैशनल नंबर्स ले लिए, हमें इन्हें कॉम्यूटेटिव लॉ पे वेरीफाई करना है। हाउ कैन यू वेरीफाई, देख सी, 1/2 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/2, दोनों आपके रैशनल नंबर्स हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द नंबर्स। द एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज 4, सॉल्व कर दीजिए बेटा, आपका 2 प्लस 3 आएगा, सेम 4, 3 प्लस 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/4 इज इक्वल टू 5/4, मीन्स बोथ साइड विल बी इक्वल। अगर आपकी बोथ साइड इक्वल आती हैं तो आपका जो ये लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ, ये वेरीफाई हो जाता है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स होते हैं, हम 3 रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। क्लियर, एसोसिएटिव लॉ में हम 3 रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, हमारा आंसर सेम आएगा। वेरीफाई करते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया, आई हैव टेकन 3 रैशनल नंबर्स, मैंने उसे इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्रैकेट बेटा, ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमें सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, मीन्स मुझे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये लेते पहले हम ऐड कर रहे हैं, वी विल टेक एलसीएम, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा क्या आ गया, 1/21 प्लस 1/6। सेम प्रोसेस, पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर मेरा रैशनल नंबर है और एडिशन की फॉर्म में है तो मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँगी। मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ऐसे मेरे यहाँ पे क्या आ गया, अगेन मुझे एलसीएम लेना है, मैंने अगेन एलसीएम लिया, इनको सॉल्व किया और सॉल्व करने का मेरा आंसर क्या आ गया, 9/42 इज इक्वल टू 9/42, बोथ आर सेम। दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज योर एडिटिव आइडेंटिटी, मींस यू कैन, इफ यू विल ऐड 0 इन एनी रैशनल नंबर योर आंसर विल बी सेम। मैं 0 को किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करती हूँ, मेरा आंसर क्या आता है, नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने 1/2 में 0 को ऐड कर दिया, मेरा आंसर 1/2 ही आएगा। ओके, ये है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स इनवर्स ये प्रॉपर्टी आप क्या बोलती बेटा, किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। ठीक, बट एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने 1/2 ले लिया, व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2? -1/2। अगर मैं 1/2 में -1/2 को ऐड करूँ, मेरा ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ओके, ये जो आपके 5 प्रॉपर्टीज़ है बेटा, ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, ये से हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन तीनों ऑपरेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों फॉर्म में यूज़ होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सी क्या है आपकी प्रॉपर्टी, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी प्लस सी अपॉन में एफ इज इक्वल टू ए बाय बी मल्टीप्लाई सी बाय डी प्लस का प्लस ए बाय बी मल्टीप्लाई ई अपॉन में है। जब आप इसे इन नंबर्स को किसी भी फॉर्म में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप इस फॉर्म में सॉल्व करो या इस फॉर्म में सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आएगा, तो आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। ओके, मैं एग्जांपल लेके सॉल्व करती हूँ उसको। मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा, यहाँ देखिए, आई हैव टेकन 3 रैशनल नंबर्स -3/4, 2/3 एंड -5/6। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में फॉर्म में लिख दिया, -3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2/3 प्लस -5/6, -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई -5/6। मैंने आपको एडिशन भी सिखाया है और मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया है, आपको इसे सॉल्व करना है। एडिशन में हम ऐसे लेके सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्टली कट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने सॉल्व कर दिया और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर है वो आया है 1/8 और इधर भी आया है 1/8, मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल। मीन्स नंबर को आप इस फॉर्म में सॉल्व करो या इस फॉर्म में सॉल्व करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके,